भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि महर्षि का आश्रम है। ये कृष्ण जन्माष्टमी का जो महापर्व है, युगों युगों से यहाँ पर मनता चला आ रहा है, क्योंकि सांदीपनि वंश परंपरा में हम लोग आज भी यहाँ पर अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव हर साल हर वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष क्या है कि कोरोना काल है, कोरोना की महामारी पूरी वैश्विक महामारी फैली हुई है, तो उससे बचाव के लिए हम लोगों ने आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश बंद रखा। बिल्कुल जो पुजारी परिवार के लोग हैं और जो सेवादार जो हैं उन्हीं के बीच में हम लोगों ने जन्माष्टमी का महापर्व बनाया, क्योंकि कोरोना मुक्त एक हमने पेपर के जो कटिंग होती है रंग बिरंगे फूलों की हमने सजावट की गई है, जिससे कोरोना का भी कोई प्रभाव नहीं है। जन्माष्टमी का महापर्व खूब बड़ी धूमधाम के साथ आनंद हुआ है। अभी महाआरती संपन्न हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव उपस्थित थे, और हमारे डॉक्टर अंकित जोशी जी जो कि अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर में सेवाएं देते हैं कोविड में, इनको कोरोना कर्मवीर योद्धा सम्मान से भी हमने लोगों ने नवाजा है। तो भगवान की कृपा है कि ठाकुर जी की कृपा है कि इस स्थान पर जन्माष्टमी का महापर्व धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने रात गुजारी, कई दिन गुजारे, अपने जीवन का एक नया पक्ष यहाँ से उज्ज्वल हुआ। भगवान जब कृष्ण को कंस को मार के यहाँ आए और आचार्य सांदीपनि जो उनको दीक्षा दी, शिक्षा दी, और यही कारण रहा कि भगवान ने बाद का जीवन उनका एक अलग परिवर्तित रूप में आया सामने। भगवान के प्रत्येक कदम पे उज्जैन की छाप है, सांदीपनि आश्रम की छाप है। यहाँ तक कि जब युद्ध के कर्म क्षेत्र में जाने के बाद गीता का जो उनके मुँह से एक अद्भुत ग्रंथ की रचना हुई, वो सार भी अगर कहीं से निकला तो उज्जैन से निकला है। उसी प्रकार से जैसे द्वारका का महत्व है, मथुरा का महत्व है, उसी प्रकार से उज्जैन का भी महत्व है। मैं आज के इस अवसर पर, चूँकि जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान का जन्म हुआ है, यहाँ शासकीय मान्यता से आज के दिन जन्म होता है, हम सब भगवान के जन्मोत्सव के आनंद में डूबे हुए हैं। और भगवान कृष्ण का काल और अभी आज कोरोना के कालों के कारण से ज़्यादा याद आता है, ये भी कठिनाई भरा हुआ काल है। और भगवान का वो भी काली रात्रि थी जब भगवान का जन्म हुआ, तमाम कष्टों से, तमाम परेशानियों से, तमाम मुसीबतों से भगवान ने जन्म से लेकर उनका शरीर छोड़ने तक जिस प्रकार से जीवन जी के सिखाया है, वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है। आज के युग में भी वही हमको संबल देता है, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारा इतिहास हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और विश्व में मनुष्यता की स्थापना होगी। श्री कृष्ण वंदे जगतम गुरु।